Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Nancy and I hope you all are doing well. तो आज का वीडियो एक IKEA हॉल वीडियो है और इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी दो IKEA हॉल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वीडियोज की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोनों ही वीडियोज में जो मैंने प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, सो मेक श्योर दैट आफ्टर दिस वीडियो कि आप उन वीडियोज को भी जरूर एक बार चेक करें। तो आज के वीडियो में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स ही हैं। इन्हें मैंने ऑनलाइन परचेस किया था क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पर IKEA भी नहीं है और सब कुछ बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में डिलीवर हुआ, कुछ भी नहीं टूटा है। और यदि आपकी सिटी में IKEA डिलीवर नहीं करता है या फिर IKEA अभी है ही नहीं बिकॉज काफी कम सिटीज में ही है अभी, सो डोंट वरी। ये सारे प्रोडक्ट्स, इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आई थिंक Amazon पर अवेलेबल हैं और उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और IKEA की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रोडक्ट है ये ग्लास जार्स। ये ग्लास जार्स सेट ऑफ 3 में आते हैं और यहाँ पर ये एयर टाइट जार्स हैं। इनमें इस तरह से गैसकेट दी हुई है और ग्लास की ही लिड दी है। सो दीज जार्स आर अमेजिंग फॉर लाइक स्टोरिंग पिकल्स या फिर कुछ भी चीज़ लाइक स्मॉल कॉन्डिमेंट्स जो कि आपको ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर रखना है, या फिर कई बार हम लोग DIY फेस पैक्स और हेयर मास्क ये सब बनाते हैं, वो हर चीज़ स्टोर करने के लिए अच्छे हैं। स्पाइसेस भी स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनका जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अभी इन जार्स को मैंने यूज़ नहीं किया है, इनके अंदर की पाउडर कोटिंग है तो मैं वॉश कर दूंगी तो ये क्लियर जार जैसे ही हो जाएंगे और ऑल टुगेदर सुपर अमेजिंग क्वालिटी। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्पाइस जार। तो ये सेट ऑफ 2 में आते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे दो जार्स और परचेस किए हैं और ये इस टाइप के जार स्मॉल स्पेस में यदि आपको अपने स्पाइसेस को से स्टोर करना है तो बहुत ही परफेक्ट है। स्पेसिफिकली आप जो स्पाइसेस कम क्वांटिटी में रखते हैं जैसे कि कलौंजी हो गई, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, ये सब स्टोर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और लिड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्लास की क्वालिटी तो ऑल टुगेदर अच्छी है ही। एंड अगेन अ वेरी गुड परचेस फ्रॉम IKEA। बाय द वे गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको भी दिखा रही हूँ उनकी प्राइस आपको स्क्रीन पर मेंशन करती जा रही हूँ और आप प्राइस उनके नीचे लिंक पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ग्लासेस और ये सेट ऑफ 6 में हमने परचेस किए हैं। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही गुड लुकिंग ग्लासेस हैं एंड दीज आर परफेक्ट फॉर लाइक वाटर, लैमिनेट, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक। और मतलब इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, डायमेंशन बहुत सही है, मतलब एकदम ऐसे ब्रॉड से भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं है। तो मुझे ये लाइक डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट लगे एंड या अमेजिंग परचेस अगेन। तो अब फिर से बारी आ जाती है कुछ और स्पाइस जार्स की, वो है IKEA के ये फेमस स्पाइस जार्स जो कि सेट ऑफ 4 में आते हैं और ये राजटन के नाम से आते हैं। इस तरह के स्पाइस जार्स तो आपको बहुत सारी जगह पर अवेलेबल हैं, होम सेंटर वगैरह में, डी मार्ट में, बट वो बेटर हैं कि ये बेटर हैं, तो मैंने डी मार्ट के देखे हैं तो उनसे ये थोड़े से बेटर हैं। और लिड की क्वालिटी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा से फ्लिम्जी नहीं है और काफ़ी जल्दी टूटने वाली भी नहीं है, बट अच्छी है, आप अच्छे से हैंडल करेंगे तो नहीं टूटेगी। और उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पर यू कैन सी द स्पेस इज देयर, नो से फ्लैट है थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं यदि हाइट का इश्यू है तो, और ऐसे तो आप रख ही सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, तो जैसा भी स्पेस है आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट है स्पाइसेस के लिए और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपके इसमें स्पाइसेस स्टोर करके आप रख सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है IKEA का बहुत ही अमेजिंग है, स्पेसिफिकली यदि आपको मनी प्लांट या फिर कोई भी प्लांट इंडोर्स वाटर के अंदर प्रोपोगेट करना है और किसी भी कॉर्नर को आपको ब्यूटिफाई करना है तो वो प्रोडक्ट है ये ग्लास का, ये इस तरह का एक वास या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। बेसिकली आप इसे पानी स्टोर करके रखने के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे किसी को पानी वगैरह देना है ग्लास में तो, बट मैंने यहाँ पर इसे प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए रखा है। तो मेरे जीजी प्लांट की एक यहाँ पर स्टेम टूट गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और यू कैन सी कि यहाँ पर ना थोड़ी बहुत रूट्स भी आ गई हैं, आई होप कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और ये बहुत ही एलिगेंट लगता है, किसी भी आप कॉर्नर पर रख दीजिए, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, पानी गिरने का भी टेंशन नहीं है क्योंकि हाइट भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है, रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं और जब हम पानी को चेंज करते हैं ना, और उस सिनेरियो में यदि इसका यदि माउथ छोटा है
तो रूट्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, बट इसका माउथ काफी डिसेंट साइज का है तो इट इज वेरी इजी टू चेंज द वाटर एज वेल। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आइकिया का वो मुझे बहुत ही एवरेज लगा, वो है ये पिक्चर फ्रेम। ये A4 साइज का पिक्चर फ्रेम है और इसकी जो आउटर ये जो बॉडी है आई थिंक इट इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, तो ये तो अच्छी लग रही है, फिनिश अच्छी है इसकी, बट जो शीट यूज की है इसमें हल्की हल्की स्क्रैचेस हैं और बहुत पास से देखो तो ही दिखते हैं, इस वजह से मैंने वापस नहीं किया, रख लिया क्योंकि इसकी मैंने पैकिंग भी हटा दी थी तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था रखने के अलावा। तो ये मतलब शीट ठीक लग रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, मतलब वो प्रीमियम फील नहीं आ रही है, ऑल दो ये 150 रुपीज़ का ही है तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और पीछे कुछ इस तरह का है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसे वॉल पे हैंग कैसे करना है, तो यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इसे इस तरह से हटाने के बाद हैंग करना है, एम आई राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। तो इस वीडियो का अब जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये कुशन कवर्स। तो यहाँ पर ये मैंने दो कुशन कवर्स मंगाए हैं, ये बेसिकली जो आइकिया की बजट रेंज में जो कुशन कवर्स आते हैं ये वो वाले हैं और ये मुझे ठीक लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, काफ़ी थिन मटेरियल है इसका बट फैब्रिक अच्छा है, पैसे के हिसाब से इट इज़ गुड। बट द थिंग इज कि इसके पहले मैंने थोड़े से हायर रेंज वाले आइकिया के कुशन कवर्स मंगाए थे, आई थिंक आपको पीछे जो येलो कलर का कुशन कवर दिख रहा है वही वाला मैं एक बार दिखाती हूँ, ये वाला कुशन कवर, ये बहुत अमेजिंग लगता है और इनको मैंने वॉश भी कर लिया है, बिल्कुल भी कलर ब्लीड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल इंटैक्ट है। इनफैक्ट जो पीछे सोफे पर आपको थ्रो दिख रहा है वो भी मैंने आइकिया से ही परचेस किया है, फैब्रिक की क्वालिटी अमेजिंग है, बिल्कुल भी कलर ब्लीड नहीं हुआ। बट कमिंग टू दीज कुशन कवर्स, मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं पर बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो डेली यूज़ के लिए तो ठीक है, कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं, यदि आपको चेक करना है तो आप वो वाले कलर्स चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कलर इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ पास्ट में उन सबको मैंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में सेग्रीगेट किया है, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, फीडबैक, यू कैन कमेंट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रीड एंड आंसर देम। एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।